हमारी संस्कृति और संस्कार में धर्म और आध्यात्मिक का बहुत बड़ा पात्र है। व्यक्ति के जीवन में जब जब भी धर्म आध्यात्मिक होता है तो व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलाता है, उसको जीवन जीने की राह बताता है, उसको अच्छा बुरा पाप और पुण्य करने की राह बताता है। जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक और धर्म पालन करते हैं वह सत्य के मार्ग पर चलते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं और लोगों के दुख को अपना दुख समझकर उसकी पीड़ा को कम करने का काम करते हैं। यही आध्यात्मिक और धर्म का ज्ञान हमें सिखाता है और इसीलिए ये भारत की धरती हमारी पुरातत्व संस्कृति में धर्म और आध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब हमारी पुरातत्व धर्म आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर चलते हैं और जहां जहां भी धर्म होता है वहां वहां सत्य होता है, वहां वही भगवान विराजमान है। इसीलिए आपने यहां बड़ी संख्या में पधारे, मैं सभी आप श्रद्धालु भाइयों बहनों का दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। कुछ क्षण मुझे भी यहां पर भागवत कथा और भजन सुनने का मौका मिला। मैं विश्वास दिलाता हूं जो प्यार से आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, मेरी कोशिश होगी कि आपके प्यार से आपकी अपेक्षाएं आपके विश्वास को पूरा हो। जो समस्याएं कन्हैयालाल मीणा जी ने बताई है, बड़ी संख्या के अंदर हमारी माता बहनें भी आई है, बहुत सालों से हमारी माता बहनों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, कई हैंडपंप पे लाना पड़ता है, ट्यूबवेल पे लाना पड़ता है और सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो हमारी माता बहनों को होता है। मेरी कोशिश होगी कि दो साल के अंदर अंदर इन सब माता बहनों के घर पर नजर लगा दें ताकि उनको पानी लाने की चिंता नहीं। और मुझे याद है कि आने वाले समय में हम इन माता बहनों के बीच में कोशिश करेंगे कि हर माता हमारी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रखने के लिए जो भी माँ आर्थिक रूप से कमजोर होगी सक्षम नहीं होगी, हम ऐसी माँ को जो गर्भवती होगी 9 महीने तक निःशुल्क पोषण देंगे, उसकी जांच कराएंगे ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और उसका आने वाला बेटा भी स्वस्थ रहे, बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। और हर माँ की जिम्मेदारी यही कह के जा रहा हूं, माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को पूरी पढ़ाई कराएं, अपनी बेटी को सबसे आगे समाज में नेतृत्व करने की क्षमता ऊर्जा और दिशा दे सकती है तो माँ दे सकती है। इसलिए माँ अगर बिना पढ़ी लिखी रही है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी बेटी पढ़ी लिखी बने, देश और प्रदेश में नेतृत्व करे ताकि उसके सपने पूरे हो सके। और इस सपनों में आप सब पुरुष भी माता बहनों का सहयोग करें और यही हमारी सत्य है। जहां जहां शिक्षा पहुंचेगी वहां वहां सत्य पहुंचेगा। शिक्षा लोगों के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको जीने की सही राह बताता है। इसलिए धर्म आध्यात्म और शिक्षा हमारे जीवन की संस्कृति और संस्कार है, इसको हमें अपनाना चाहिए। आप सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को मैं पुनः नमन करता हूं और हमारे सत्यनंद जी महाराज की भागवत कथा आप सबको सुनने को मिली, यज्ञ में आपको आहुति मिली, ये भी आपका पुण्य है। जो पुण्य करता है उन पुण्यार्थियों को ही भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है और उन्हीं पुण्यार्थियों को यज्ञ में बैठने का मौका मिलता है। आप सभी श्रद्धालु भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।